नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मैं आपको मेमोरी आईसी के बारे में जानकारी दूंगा। ये मेमोरी आईसी का क्या काम है, कहाँ लगती है, कैसे इसका क्या वर्क रहता है, इसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा। तो CRT भी, फिर आया LCD, अब आ गया LED। तो ये अलग अलग कैपेसिटी की आईसियाँ हैं जो अलग अलग सेट में लगती हैं। अच्छा, इसमें खासियत ये रहती है, छोटी आईसी बड़ी की जगह पर नहीं लग सकती, बड़ी आईसी छोटी की जगह पर लग सकती है। जैसे 24C04 की जगह पर आप 24C08 को लगा सकते हैं, मगर 8 की जगह पे 4 नहीं लगा सकते आप। ठीक है, ये आप आईसी लगा सकते हैं। मान लो कहीं पे 32 की आईसी लगी है तो 32 की ही लगाना है, मगर कहीं 4 की लगी है आप 32 की लगाएंगे तो काम कर जाएगी, वो चलेगी उसकी जगह पर। ये अलग अलग मेमोरी में होती है। अच्छा, इसको फ्लैश आईसी बोलते हैं, प्रोग्रामेबल आईसी बोलते हैं, बायोस आईसी भी बोलते हैं इसको, EMMC आईसी भी बोलते हैं, EEPROM आईसी भी बोलते हैं, यानी इसके कई प्रकार के नाम हैं। तो ये 24C सीरीज में भी आती है, और दूसरा है एक W25X सीरीज में भी आती है, जो कि मैंने यहाँ पे इस पर विवरण नहीं दिया है, और एक और आती है W24Q। ये जो है, ये सीरीज जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बड़े सेटों में लग के आ रही है, जैसे स्मार्ट टीवी में लग के आ रही है, मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, नॉन स्मार्ट है उसमें भी लग के आ रही है आईसी। तो ये अलग अलग जितना जिसका बड़ा सॉफ्टवेयर होगा उसके अनुसार इस आईसी को लगाया जाता है, यानी सॉफ्टवेयर के अनुसार इस आईसी को वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा मैं जो बता रहा हूँ। अब इसके बाद इसकी पिनों का विवरण मैं दूंगा आपको सिलसिलेवार, एक एक तरीके एक एक पिन के बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इसमें आती है चिप सिलेक्ट आईसी पिन। ये चिप सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, मान लो किसी किसी सेट में, अपने टीवी में तो वैसे एक ही मेमोरी आईसी लगती है, मैं कई जगह पे ऐसा होता है कि दो आईसी लगी, तीन आईसी लगती है, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चिप सिलेक्ट पिन दी जाती है। ठीक है, फिर दूसरी पिन आती है इसकी डेटा आउटपुट पिन है। ठीक है, और उसके बाद आती है वाइप प्रोटेक्शन 3 पिन, ये तीसरे नंबर की पिन होती है। उसके बाद चौथे नंबर की पिन जो है ग्राउंड है, पांचवा है जिसको डाटा इन बोलते हैं, इसमें इन होता है डाटा। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉक्स, उसके बाद आता है होल्ड या रिसेट, और उसके बाद आता है VCC। देख आया आप इसमें, परंतु इसमें एक चीज खासियत ये है कि होल्ड जो पिन है, यदि इसको ओपन छोड़ दिया जाएगा तो इसमें जो भी प्रोग्राम होगा वो डिलीट हो जाएगा, है ना, डिलीट हो जाएगा, इसलिए इसको पिन को 8 से जोड़ा जाता है, यानी इसको सप्लाई दी जाती है, 7 और 8 पिन को आपस में जोड़ के इसमें सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो ये तो पिन के विवरण के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है इसका फंक्शन, किस तरीके से आईसी काम करती है, कैसे काम करती है, तो इसके बारे में आपको ये पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, मैंने लिख के रखा है इसमें, जैसे कि फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी भी बोलते हैं, प्रोग्रामिंग आईसी भी बोलते हैं, बायोस भी बोलते हैं, ये मैंने ऊपर लिख के दिया है। और एक यहाँ पे एक और आईसी है, इसको बोलते हैं सिस्टम कंट्रोल आईसी, फंक्शन कंट्रोल आईसी बोलती है, फंक्शन कंट्रोलर आईसी भी बोलते हैं इसको, या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, या मास्टर स्लेव भी बोलते हैं। ये आईसी जो है, ये दो आईसी है इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले तो ये मास्टर आईसी पे कोई फंक्शन आपको भेजना होगा तो कमांड आईडी आपको देना है, तो IR के थ्रू, यानी रिमोट के थ्रू आप रिसीवर रिमोट के द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, ये जाएगा मास्टर आईसी में। तो IR दिया हुआ है, IR से ये पिन से ये जाएगी अंदर, ये मास्टर आईसी में जाएगी, और मास्टर आईसी से फिर ये आउट होंगे। तो इसको काम करने के लिए सप्लाई भी दी जाती है, तो इसके लिए सप्लाई के लिए देखिए, मैंने ये जो ये ऊपर से इसको सप्लाई दे दी है, यहाँ पर ये सप्लाई पिन है इसकी। मान लो ये आईसी की पिन अलग अलग हो सकती है, मगर मैं इसमें जो बता रहा हूँ, इसके बाद आता है देखिए, ये आईसी जो पिन जो है इसको बोलते हैं चिप सिलेक्ट पिन। देखिए, ये आईएनए चिप्स का मतलब होता है आईसी सिलेक्ट, ये आईसी के लिए सिलेक्ट करना। मैंने आपको अभी बताया 3-4 आईसी लगी हुई, उसकी मेमोरी के लिए अलग अलग सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए है ये।
तो ये चिप सिलेक्ट पे यहाँ पे से ये सिग्नल अपनी भेजेंगे, ये सिलेक्ट कर दो कौन सी पिन पे करना है, किस पे करना है, एक नंबर की आईसी पे करना, दो नंबर की पे करना, तीसरे नंबर की पे करना, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा आउटपुट पिन। ये यहाँ से देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो यहाँ पे आईसी मेमोरी आईसी लगी हुई है यहाँ इसकी पिन नंबर 2 से जो है इसको स्लेब बोलते हैं। देखिए ये आईसी जो स्लेब है यहाँ से इसकी पिन नंबर 2 से ये डाटा आउट होगा और ये जाएगा कमांड आईसी को, इसको कमांड आईसी भी बोलते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, मैंने बताया इसको कई प्रकार के नाम, कई नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, इसके बाद आता है ये प्रोटेक्शन पिन है, इसमें देखिए सिग्नल इन और आउट दोनों होते हैं, यानी मास्टर स्लेब इन भी होता है और आउट भी होती है, ठीक है। यहाँ से पिन को आउट की सिग्नल आउट किए जाते हैं। और उसके बाद आता है ग्राउंड, ये ग्राउंड पिन है 31 नंबर की। उसके बाद आता है डाटा इनपुट पिन, ये चौथे नंबर की पिन ग्राउंड पिन है। और पांचवें नंबर की पिन जो है ये देखिए डाटा इनपुट पिन है, जितने यहाँ से जो मास्टर आईसी है यहाँ से जो ये डेटा होगा वो यहाँ पे इन होगा पांच नंबर पिन से, ठीक है। और ये इसके 6 नंबर पिन से जो है क्लॉक सिग्नल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल से, अभी ये सिग्नल से नहीं मिलेगा, यानी है तो सभी सिग्नल्स काम नहीं, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यदि ये क्लॉक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये सिग्नल्स जो है मास्टर से दिए जाएंगे जो क्लॉक सिग्नल्स 6 नंबर पिन पे पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है 7 नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया होल्ड पिन है, इसको रीसेट पिन भी बोलते हैं। ये यहाँ से यदि इसको ओपन कर दिया जाएगा तो इसमें जो भी प्रोग्राम आपने किया हुआ है, वॉइस जो रिकॉर्डिंग जो भी आपने इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है वो डिलीट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए इसको 8 नंबर पिन से जोड़ा गया है जिससे कि इस पर सप्लाई मिलती रहे और यहाँ पे जो भी प्रोग्राम ने रीड किया हुआ है वो इसमें रीड रहे। इस प्रकार से ये 8 नंबर की पिन है, यहाँ से ये आउट होता है। अब इसके बाद आता है कि इसमें कई प्रकार के फॉल्ट बनते हैं इस आईसी में, यानी इससे कई प्रकार के फॉल्ट बनते हैं। तो फॉल्ट कौन कौन से बनते हैं सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यदि मेमोरी आईसी खराब हो जाएगी तो स्टैंड बाई की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नंबर एक स्टैंड बाई की प्रॉब्लम आएगी, दूसरा जो है ऑटो रीसेट हो जाएगी, यानी चालू होगा कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, सेट ऑन ऑफ होता रहेगा, यानी अपन ने यहाँ से ऑन किया तो ऑन हो गया, एक मिनट बाद तुरंत ऑफ हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है लोगो भी आ जाता है, यानी स्क्रीन पे लोगो आ जाएगी कि किस कंपनी की टीवी है, किसकी टीवी, किस कंपनी की ब्रांड की टीवी है, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा प्रोग्राम कुछ, यानी फिर डेड हो जाएगी, फिर रिमोट से चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा, तो ये ऑटो रीसेट भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी स्क्रीन ब्लैक भी हो जाती है, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। या तो ये भी फॉल्ट हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है स्क्रीन प्लेन हो जाती है, रास्टर आता है परंतु कुछ नहीं आता है, नो डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं आएगा, यदि आप कोई की दबा रहे हैं तो उसका कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, तो समझ जाइएगा कि आईसी खराब है, ठीक है। और एक चीज और इसमें चेक करने का तरीका ये है कि यदि आपने इसको चालू किया है, जैसे ऑन करते हैं अपन वो आईआर से सिग्नल्स देते हैं तो भी चेक करने का है, तो ये क्लॉक के थ्रू सिग्नल्स पहुंचेंगे और 6 नंबर पिन पर वोल्टेज अप डाउन होंगे, जितनी देर तक आप रिमोट दबाएंगे यहाँ से तो सिग्नल्स वहां पर मास्टर से होते हुए स्लेब पर पहुंचेंगे और ये सिग्नल्स पहुंचेंगे तो वहां पे अप डाउन वोल्टेज होंगे, तो समझ जाएंगे कि ये यानी सिस्टम कंट्रोल आईसी काम कर रही है परंतु स्लेब आईसी काम नहीं कर रही है, जिसको अपन बोलते हैं यूप्रॉम आईसी काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से ये आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या फॉल्ट कैसे होगा, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, जो मैंने मेथड आपको बताई वो आपकी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।